करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले करीब एक डेढ़ महीने से दिल्ली के हर एक मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक पार्षद, और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है वहां पे उनके संगठन के लोग आपका विधायक आपके द्वार नाम से कार्यक्रम करते थे, जिसके अंदर एक मोहल्ला सभा जनसभा आयोजित करके लोगों की समस्याएं पूछी जा रही थी और उसके निवारण के लिए कदम उठाए जा रहे थे। इस कार्यक्रम में दिल्ली में करीब 2532 मोहल्ला सभाएं हुई और लोगों के साथ रूबरू हुए, लोगों ने अपनी बात खुल के कही और ये पूरी दिल्ली के लोग जो इन सभाओं के अंदर आते रहे हैं वो एक आम लोग होते हैं, वो सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि लगभग 85 से 90% तक समस्याएं सीधा सीधा एमसीडी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और उसके अंदर भी जो सबसे बड़े दो बातें निकल के आई हैं वो ये हैं, दिल्ली में लोग एमसीडी की साफ सफाई की व्यवस्था से या कहें अव्यवस्था से पूरी तरीके से नाराज हैं, दुखी हैं, और दूसरा पिछले कुछ दिनों के अंदर एमसीडी ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ऐसा लग रहा है दिल्ली की भाजपा दिल्ली के लोगों में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली के अंदर एमसीडी द्वारा नजर आ रही है, मलेरिया इंस्पेक्टर हो, डेंगू के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग चेक करने के लिए अधिकारी हो, उनका काम है कई बार आपके घर वो आए, आपके घर सर्वे करें, ब्रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है देखें, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो उसको उड़ेलें, उसमें दवाई डालें और आपके घर के बाहर की दीवार पर डेट डालकर अंकित करें एक एक मकान के बाहर कि आज की तारीख में मैंने ये चेक किया और सब कुछ ठीक पाया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों से जानना चाहता हूं, इस डेंगू के सीजन में जहां हर साल हमें पता है डेंगू मलेरिया फैलने का ही समय है, चिकनगुनिया फैलने का ही समय है, पिछले 3 महीने में एमसीडी के मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आपके घर में कितनी बार आए हैं? मुझे लगता है कम से कम 10 बार आपके घर पे उनको आ जाना चाहिए था अब तक। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, चुनौती देके कह रहा हूं, जो जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि मलेरिया के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग एक बार भी किसी के घर में नहीं गए, ना दवाई छिड़की है, ना ब्रीडिंग चेक की है, ना नालियों में दवाई डाली है, फॉगिंग भी मुझे लग रहा है कम से कम मेरा जो अंदाजा है मोटे तौर पे भी आप देख ले दिल्ली का 5 से 7% इलाका भी इन्होंने फॉगिंग नहीं की है अभी तक, और अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, आदेश गुप्ता बताएं कितने परसेंट दिल्ली के अंदर फॉगिंग हो चुकी है, कितनी बार हो चुकी है वो बताएं, प्रमाण दे दे। जानबूझ के षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली को बदनाम करने के लिए डेंगू फैलाया जाए, जहां जहां तक मौका मिले वहां वहां पे आप कोई ना कोई ऐसा करें कि यहां पे डेंगू फैले, और दिल्ली में डेंगू फैलना शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसके बारे में बहुत विचार किया, कल सारे विधायकों की और पार्षदों की और सभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उसमें आम आदमी पार्टी ने निर्णय किया कि अगर दिल्ली की भाजपा दिल्ली के अंदर डेंगू फैलाने का षड्यंत्र करेगी
तो दिल्ली को बचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे 62 के 62 विधायक करेंगे, हमारे सारे चुने हुए और मनोनीत पार्षद करेंगे, एक एक वार्ड के, एक एक मोहल्ले की, एक एक गली की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे कि हम लोग जाके वहां पे फॉगिंग करेंगे। और हम जनता से, RWS से, मार्केट एसोसिएशन से, NGO से, सभी इस तरीके की गैर सरकारी संस्थाओं से ये प्रार्थना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे कि वो भी इस महाअभियान के अंदर दिल्ली वालों का साथ दें, आम आदमी पार्टी का साथ दें। कल 27 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से फॉगिंग का महाअभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और हर इलाके के अंदर फॉगिंग की जाएगी। उसके अलावा ब्रीडिंग को चेक करने की जो भी चीजें हो सकती हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश करेंगे हम करें। बहुत शर्म की बात है, 15 साल MCD में रहने के बावजूद बीजेपी की हालत यह हो चुकी है कि हर साल होने वाली बीमारी के लिए भी इनकी कोई तैयारियां नहीं है। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने MCD में सवाल किए तो बताए कि बीमारी को रोकने के लिए जो छिड़काव किया जाता है, जो दवाइयों की जरूरत है, उसका टेंडर लगाया है अभी नॉर्थ MCD में। अब आप टेंडर लगा लीजिए, फिर आप वर्क ऑर्डर कर लीजिए, फिर दिसंबर में दवाई लीजिए, कागजों में खरीद के दोबारा उसको बेच दीजिए, क्योंकि वो फिर तो दिसंबर में वो किसी काम की नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इसके अंदर बड़ा अभियान जो है कल से शुरू करने जा रही है। और ये बात स्पष्ट है कि ये काम पूरी तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है। MCD की पूरी जिम्मेदारी है, बट वो क्योंकि फेल हो गए और दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे पर कहा है कि दिल्ली संभाल नहीं पाया और चुनाव से पहले नाम याद आए। मुझे लगता है कि एक पहले आदमी हैं जिनको परेशानी है कि कोई राम से मिलने आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं, अयोध्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमें किसी की इजाजत नहीं देनी है कि हम भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। उनकी बहुत ही छोटी सोच है कि वो इस तरीके का सोच रहे हैं। ये भगवान राम का मंदिर पूरे देश का है, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में रह रहे हर हिंदू का है। तो इतनी छोटी सोच के साथ कोई अगर आदमी अपने आप को योगी कहे तो मैं आपको कहूंगा भगवत गीता में आप पढ़िए योगी की क्या परिभाषा है। और मैं चुनौती देके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की परिभाषा में 25% भी खरे नहीं उतरते, आप चेक कीजिएगा। देखिए, मैं उनका जवाब पढ़ रहा था जो उन्होंने नॉर्थ MCD के अंदर दिया। दवाई खरीदने के पास उनके पास पैसे नहीं है, उसका टेंडर कर रहे हैं और 90 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। भैया 90 लाख रुपए की दवाई खरीद लेते। और दिल्ली सरकार को जितना पैसा MCDs को देना था, एक एक रुपया दिया गया। बार बार हाईकोर्ट के अंदर ये बात फैसले हुए जिसके अंदर ये बात आई कि दिल्ली सरकार ने सारा पैसा दे दिया। अब अपना रेवेन्यू जहां से इनको कमाना है, टोल टैक्स से, एडवर्टाइजमेंट से, उसके अंदर ये खुद अपनी इलीगल एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। जो पैसा MCD की जेब में आना चाहिए वो भाजपा की जेब में जा रहा है। तो बीजेपी माला माल है और MCD कंगाल है। तो आज मनोज तिवारी के द्वारा छठ को लेकर एक विशेष वैक्सीन टीकाकरण प्रोग्राम शुरू किया गया है और उनका कहना है कि जो लोग वैक्सीन ही लगवा पाए हैं अब तक, वो लगवा रहे हैं उनके लिए।
बहुत दिनों से चल रहा है, तो मुझे लग रहा है 6 महीने से चल रहा है दिल्ली में तो कार्यक्रम। वो आज जागे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो उनको पता नहीं, उनको बताओ आप कि दिल्ली में तो पता नहीं कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें नहीं पता होगा। और पता ही सर, एक सवाल ये है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट एक एमसीडी जारी करती है हर हफ्ते जी, डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट के साथ, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा तो लीगल नोटिस दिए जा चुके जो लोग उल्लंघन करते हैं। तो उनका कहना है कि अगर हम विजिट नहीं करवा रहे हैं तो ये लीगल नोटिस किसको दे दिए, लोगों के चालान भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है और 2 करोड़ से ज्यादा हाउस विजिट हो चुकी है अब तक। 12 लाख चलान घर में बैठ के बनाए गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना चलान जमा हुआ है इसमें से? कुछ नहीं है, वो कागजों में है। वो जिसको नोटिस दिया उसको पता भी नहीं होगा कि हमें कागजों में नोटिस दे दिया। बात इसमें है कि कितने करोड़ की चलान की आमदनी इनके पास आई है। 12 लाख के हिसाब से तो बहुत आना चाहिए, है ना? 100 रुपए के हिसाब से भी 12 करोड़ हो जाता है। 12 करोड़ रुपए आ जाते इनके पास चलान से तो दवाइयां ही खरीद लेते कम से कम। तो ये सिर्फ कागजों के अंदर जो है इनके चलान है, कागजों के अंदर कार्रवाई पूरी मिलेगी। देखो, अफसर जो है जिसका काम मलेरिया डिपार्टमेंट में है तो जाहिर सी बात है कागजी कार्रवाई उसकी पूरी होगी, उसकी अटेंडेंस पूरी होगी, उसकी विजिट पूरी होगी, सब कुछ पूरा होगा। मगर जमीन पे आप जाके पूछिए लोगों से, दिल्ली के लोगों में घुस जाइए, आप गांव में जाइए, मथुरा इस कॉलोनी में जाइए, कोठियों में जाइए कि भाई आपके यहाँ आया कोई, कितनी बार आया पिछले 3 महीने में, वो आपको बता देंगे। उनके घरों के बाहर आप चले जाइए, आपको तो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप जाइए और दिल्ली के घरों के बाहर दीवारों पर लिखी होती है डेट, उसको देखिए कितनी दीवारों पर लिखी हुई है, तो आप पता चल जाएगा।